नीला, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मैंने अभी अपने एक दोस्त को कॉल किया, उसके आने तक हम किसी होटल में रुक सकते हैं। परफेक्ट प्लानिंग की है तुमने, मुझे पहले कभी डाउट नहीं हुआ था। मैं अगर शांत हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सूची की वजह से। अरे ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है नीला, समझने की कोशिश करो। Shut up, Ram. Salt won't change his character. My relationship was healthy. अगर प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है तो पर्सनल लाइफ खराब होती है, या पर्सनल अच्छी हो तो प्रोफेशनल लाइफ खराब होती है, लेकिन मेरी तो दोनों लाइफ खराब है। अगर तुम्हारे जैसे 10 लड़के भी आ जाए ना तो मेरा रिश्ता नहीं तोड़ सकते, और हर लड़की एक जैसी नहीं होती। तुम प्यार को कभी नहीं समझ पाओगे। आज से मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जस्ट लीव इट। हर लड़का कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन का सामना करता ही है जब कोई लड़की उसे डम करती है, लेकिन उसने मुझे ज्यादा टाइम दिया ही नहीं। उसने अपना बैग लिया और बस में चढ़कर निकल गई। दिस सेकंड आई फील लाइक अ सेकंड कंटेन्स 60 मिनट्स। एंड एक्चुअली गर्ल्स को किसी सॉलिड रीजन की जरूरत नहीं होती, जस्ट वन रॉन्ग पार्किंग एंड इट्स ऑल ओवर। मेरा नाम है रामचंद्र। स्वीट एंड शॉर्ट में आपको बताता हूं, ट्रू लव से अच्छा एक रूम में जो प्यार है वो है। इससे टाइम भी सेव होता है। बैड पास्ट, कांट हेल्प इट। छी, किसी दूसरे की यूज की हुई है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये भी दूसरे की यूज की हुई चीज है। राम, डोंट क्रिएट अ सीन, इट्स जस्ट अ फॉरवर्डेड मैसेज और कुछ नहीं। फॉरवर्डेड मैसेज? इसे भला जानने की क्या जरूरत कि मैं अंदर क्या पहनता हूँ? इसे तुझसे पूछना चाहिए कि तूने अंदर क्या पहना है, तो इसको ये क्यों जानना है कि मैंने क्या पहना है? वो एक फॉरवर्डेड मैसेज था। अच्छा फॉरवर्ड, अच्छा तू ये मैसेज पढ़, जरा पढ़। पहले तो गलती की और अभी घड़ियाली आंसुबह कर दिखा रहा है। ये जो लड़की एक गुड़िया की तरह दिख रही है, प्लीज कम, इसका नाम है नीलांबरी। लड़की लड़के के माथे पर किस करती है और तभी जिम्मी आसमान में जाएगा और लिखा होगा थैंक्स फॉर स्माइलिंग। वो एक फिल्म राइटर और डायरेक्टर बनने निकली है। अगर कोई लड़की तुम्हें मैसेज करती है तो उसका रिप्लाई दिया जाता है, तुमने उसे फॉरवर्ड क्यों किया बताओ मुझे? जो लड़के रिलेशनशिप में हो मैं उसे कभी डेट नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। अब तुम सिंगल हो तो मैं रिप्लाई पक्का करूंगा। वाओ, जस्ट अमेजिंग नीला, तुमने मुझे भरोसा दिलवा दिया है कि सुंदर लड़की अच्छी लव स्टोरी भी लिख सकती है। वेल डन। वो देखो, ऐसी चापलूसों वाली जिंदगी तो मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। मैं सीरियस रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ और स्मोकिंग करूंगा, उसके खत्म होने से पहले अगर तुम आती हो। समझ गई ना? मैं यही कहानी प्रोड्यूसर्स को पिच करूंगा, लेकिन अभी नहीं, 2 महीने काम करने के बाद। चलेगा ना? ओके सर, थैंक यू। सर नहीं, कॉल मी रोशन, ओके? लेट्स वर्क टुगेदर। ये जो शराब और प्यार की नाकामी का ब्रांड एम्बेसडर दिख रहा है ना, ये मेरा दोस्त कालीदास है, देवदास का करीबी दोस्त। काली, वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसके लिए रोने का कोई फायदा ही नहीं होगा। वो किसी और से शादी कर रही है, इससे पता चलता है कि तेरी उसके लिए क्या कीमत है। नहीं भाई, भले ही वो मुझसे प्यार ना करती हो, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। ए, इस माहौल का मजा ले भाई, देवदास बनकर मत बैठ। ये तेरा फर्स्ट टाइम नहीं है और ना ही लास्ट होना चाहिए। आई नो यू कैन कम आउट ऑफ इट। कहते हैं शराब चीजों को बिगाड़ देती है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे एक और बोतल चाहिए। यार तू पहले ही बहुत पी चुका है, अब चल। अरे ये बोतल ऐसे बैठा रहेगा, अब चलना। बैंगलोर वाले अपने भाई के घर पे चलते हैं। भाई के घर? वहां किस लिए?
बाप रे राम, मैं तुम पर बोझ बन रहा हूं ना। इट वॉज लवली, आई एंजॉय इट। जब तुमने पहली बार अपनी स्टोरी सुनाई थी मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। नो डाउट तुम एक दिन बहुत अच्छी फिल्म राइटर बनोगी। क्या मेरी अच्छी पत्नी बनना चाहोगी? नीला, तुम्हारे जवाब का इंतजार है। यस, आई एम वेरी हैप्पी। इससे अच्छा तो तुम घर पे बना सकते हो। बात तो सही है। राम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम कब तक ऐसे ही रहोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को सीरियसली लो। सुबह सुबह केवल मेरी बड़ी बहन ही मेरे इस तरह से क्लास ले सकती है। सोचिए रामचंद्र, बिना मूछों वाली मेरी डैड। मेरे फ्रेंड्स ने एक होटल शुरू किया है, तुम वहाँ एक शेफ का काम कर सकते हो। इस काम में इंटरेस्ट नहीं है सोची। मैं तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर थक चुकी हूँ राम। तुम कभी लाइफ में सीरियस नहीं होगे। तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारा ड्रीम था। पता है मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट एक डायरेक्टर के साथ हुई है, सिर्फ उसके प्रोफेशन की वजह से। इसलिए कह रही हूँ लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाओ। मैंने खाना खा लिया, मैं कार में तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये ले लो ना। कॉन्सेंट्रेशन की मुझ में बहुत प्रॉब्लम है, तो ऐसे मामले में कुकिंग के लिए कैसे जा सकता हूँ? कहते हैं कि टाइम ही सब कुछ होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। बट इट टेक्स टाइम। इसे पैक कर दीजिए। ओके, चलते हैं। तुमने ये रिंग क्यों खरीदी? हाँ, तुम बैंगलोर की नीला को जानते हो ना, उसकी एंगेजमेंट है, उसी को ये रिंग दे देना। सूची, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बैंगलोर नहीं आ सकता। पता है, जस्ट पार्सल कर दो। फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। मुझे जाना होगा, एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है। ठीक है, वो तो पास में ही है। अब जाओ तुम, लोकेशन मुझे शेयर कर देना और ड्राइव सेफ। बाय राम, और अभी जाओ, उसे अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है। हाँ भाई, आ जाऊंगा, आते आते शाम भी हो सकती है। अरे पार्टी मिस नहीं करूंगा, पक्का आ जाऊंगा। छोटू, जरा इधर आ। तू नहीं आया तो इसे बाहर भेज दूंगा। घर में कोई नहीं है, बेल बजने के बाद भी अंदर से कोई नहीं आया। नीला, नीला, फ्री हो क्या अभी? क्या हम डेट पर चल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए 50 कॉफीज बनाऊंगा। अलर्ट अलर्ट, आई एम एंगेज्ड। वैसे कहीं तुम इस प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं सोच रहे? तुम रिलेशनशिप में हो ना, मेरे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन सोचूंगा। सिंगल होती तो भी तुम्हारा चांस नहीं होता। क्यों, सूची कुछ कह देगी, डर लगता है? आज मैं बैंगलोर जा रही हूँ, इसलिए तुम ये पार्सल लेकर आए। ओ, क्या तुम फिल्म मेकर हो? हाँ। अच्छा, तो तुम वही हो जिसकी फिल्म डायरेक्टर रोहन के साथ एंगेजमेंट हुई? हाँ, मैं वही हूँ, उसका नाम रोशन है। ओ, तो तुम अपने प्रोफेशन के लिए ही डायरेक्टर के क्लोज आई हो ताकि तुम भी आगे चल के फिल्म मेकर बन सको? हाँ, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया,
मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया ताकि अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सकूं। गलत क्या है, अपनी लाइफ तो सबको बनानी है। अगर ऐसा है तो तुम्हें प्रोड्यूसर से कनेक्ट होना चाहिए था, तो और भी इजी हो जाता। मैं बैंगलोर जाने के लिए अपना बैग पैक करने वाली हूँ, तुम जा सकते हो। ओके ओके। नीला, लोग अपनी जन्म कुंडली से दोष दूर करने के लिए पेड़ से शादी करते हैं, लेकिन इसे प्यार नहीं कह सकते। See you. नीला, तुम बहुत खूबसूरत हो, इट जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट। ये बात मैंने कभी किसी लड़की से नहीं कही, फिर भी मैं तुम्हारी फिल्में कभी नहीं देखूंगा। और बताओ धोनी जी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? एक थर्ड क्लास में है और एक फिफ्थ क्लास में है। और तुम फोर्थ क्लास में होगे? हाँ, आपको कैसे पता? क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव। तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नाम है। वैसे तुम्हें राइट हैंड से खेलना अच्छा लगता है या लेफ्ट हैंड से? राइट हैंड से। सर, मैं आपकी बेटी नीलांबरी से 5 मिनट पहले ही मिला था। मैंने उनकी तारीफ की लेकिन उन्हें तारीफ अच्छी नहीं लगी। Can I take her on a date? Yes. No touching. Okay. Taxi. आओ ना। Please have a seat. Driver, AC start करो, हमें GB के ले चलो जल्दी। नीलांबरी जी, आपको फिल्में देखने और दूसरों की क्लास लेने के अलावा क्या क्या शौक है? मैं ना 1 मिनट की डेट पर जाती हूँ, जैसे आज जा रही हूँ। तो क्या आपको उन सभी डेट्स में से कोई पसंद नहीं आई? ये देखो। ओ, ड्राइवर स्टॉप, हम लोग पहुँच गए हैं, उतरो ना। आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? फिल्म देखना। ओ परफेक्ट, हम यहाँ फिल्म ही देखने आए हैं। ये फिल्म बहुत ही फेमस है, वाकई बहुत हिट हुई थी, बहुतों ने फोर्स किया देखने के लिए, लेकिन मैं देखने नहीं गया। वैसे आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? सखी। ओ, ये फिल्म अच्छी नहीं लग रही है, चलो कहीं और चलते हैं। टैक्सी, आइए। टैक्सी, महाराजा चाट भंडार, वहां की चाट बहुत ही फेमस है, आपको चाट पसंद है ना? श्योर। पानी पूरी? आई लव इट। भैया प्याज डालो। आपको बिरयानी कैसी लगती है? भैया 1 बिरयानी प्लीज। यहाँ की बिरयानी बहुत ही टेस्टी होती है और स्पाइसी भी। थैंक यू, शुरू करो ना। थैंक यू। आपको पानी या आइसक्रीम में कुछ पसंद हो तो? पान। भैया एक चॉकलेट पान बना दो ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको और क्या क्या पसंद है? मुझे बारिश बहुत पसंद है। ये क्या है? आज ठंड बहुत हो रही है ना, तो लगता है बारिश हो सकती है। बारिश? अरे हाँ छोटू, पानी पानी फेंको फेंको, जल्दी फेंको, जल्दी फेंको। मुझ पर क्यों फेंका? लो तुम्हारा घर आ गया। जनरली जब मैं इस तरह की डेट पर जाता हूँ तो पक्का एक किस तो कर ही लेता हूँ। इस डेट पर तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा था, सिर्फ पानी को छोड़कर। आमतौर पर मैं लड़की को किस कर ही लेता हूँ, और वैसे भी ये एक सुपर डेट है, इसलिए मैं बस हक करना चाहता हूँ। तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हो। अरे एक छोटे से हक में क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी बिना गले मिले मैं डेट कैसे खत्म करूंगा? ये एक जरूरी पार्ट है, अगर नहीं करूंगा तो दुनिया थूकेगी, जरा सोच कर देखो ना। बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो। सिंपल है नीला, तुम एक फिल्म देखने में 3 घंटे लगाती हो, लेकिन वो तुम्हारी मेमोरी के रूप में पूरी जिंदगी याद रहती है। इसी तरह जब तुम मुझे 3 घंटे की डेट कर रही हो, वो तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। इस डेट को तुमने एंजॉय किया और मुझे आगे भी डेट करना चाहती हो, तो ये फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लो। ये सुपर डेट अच्छी थी, तो क्या इस डेट का तुम फीडबैक जानना चाहते हो? वेट। यस। तुमने 1 मिनट में पूरा घर गंदा किया है,
इसलिए से क्लीन करो। यही है मेरे डेट का स्टाइल। क्यों, घर में नौकर नहीं है क्या? तुम कब काम आओगे? बाप रे। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी डेट्स पर गया, लेकिन ऐसी डेट पहली बार की। नौकरों की सैलरी तो डॉलर्स में होनी चाहिए। ये डेट याद रहेगी ना? कोई शक नहीं, अगली बार घर पे डेट करने का सजेशन देने से पहले मैं अपने आपको जूते से मारूंगा। वैसे लड़कियों को डेट पर ले जाने का तुम्हारा कोई प्रोसेस है? डिपेंड्स, कुछ जो होते हैं वो सिंपल बातों से ही मान जाते हैं, कुछ जब हम उन्हें एटीट्यूड दिखाते हैं तब मानते हैं, और कुछ तब मानते हैं जब हम उन्हें अपना वॉलेट दिखाते हैं। और ये नीला? नीला एक मिनट। हेलो नीला, मैं तुम्हें तीसरी बार कॉल कर रहा हूँ, क्या हुआ? मैं बाथरूम में थी रोशन। ओह ओके, या टेल मी। अच्छा सुनो, अपने प्रोड्यूसर कल सिंगापुर के लिए निकल रहे हैं, कुछ जरूरी काम है। सिंगापुर? और अग्रीमेंट का क्या? आज रात हमारी फाइनल मीटिंग है, लेकिन हमने अभी टाइमिंग फिक्स नहीं की है। तुम टेंशन मत लो, हम लोग इसे बहुत जल्द शुरू करेंगे। अभी स्टार्ट करना है? ओके, आई विल स्टार्ट ऑफ। प्लीज टॉक टू द प्रोड्यूसर एंड इन्फॉर्म मी द टाइम। श्योर नीला, गेट द फाइनल स्टोरी कॉपी रेडी एंड सेंड मी थ्रू मेल। श्योर। मैं फ्रेश होकर के प्रोड्यूसर से मिलने के लिए जाऊंगा। ओके, आई विल गेट रेडी एंड स्टार्ट। ओके, बाय। इस टाइम कोई फ्लाइट नहीं दिख रही है। राम, तुम जाओ, मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। ओह, हेलो हेलो हेलो, वेट वेट, कहाँ जा रही हो? अभी काफी टाइम बचा है, मैं इतनी सारी मेहनत बेकार नहीं जाने दे सकता। मुझे इस तरह बीच में छोड़कर जाओगी तो तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी और बाल सफेद होकर झड़ने लगेंगे और दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। बातें बातें और बस बातें। अरे नीलांबरी, तुम अचानक इस तरह बैंगलोर कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नो थैंक यू, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे नीलांबरी। क्या है रामचंद्र, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एटलीस्ट वन स्मोक। उस तरफ बालकनी है, तुम चाहो तो स्मोक, टी, कॉफी, मैगी, जूस, जो भी मन करे ले सकते हो। चाहो तो सो भी जाना, मैं 10 मिनट बाद दरवाजा क्लोज कर दूंगी। सुची, अर्जेंट कॉल, मैं अभी बैंगलोर निकलने वाली हूँ, जब तुम्हें टाइम मिले तो मेरा बैग भेज देना। नीलांबरी जी, आपको कार राइड चलेगी? क्योंकि मैं भी बैंगलोर जा रहा हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है ब्रो। ब्रो, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, पार्सल डिलीवर करना है और तुम्हें तो पता ही है कितना अर्जेंट होता है ये। पूरी कार खाली है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। ओके, कैब का फेयर है 8,000 रुपए, अगर तुम्हें ओके है तो बताओ। नीलांबरी जी, सिर्फ कैब का फेयर ही नहीं, आप रास्ते में खाने और टोल का भी खर्चा उठा सकती हैं। मैं मना नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी। आओ ना, बैठ जाओ। क्या सोच रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, मैं तुम्हारी सेफ्टी और डिग्निटी की पूरी गारंटी देता हूँ, आ जाओ। ठीक है, बैग अंदर रख दो। ड्राइवर? ड्राइवर? इसने एक तो पूरा घर क्लीन करवाया और अब ड्राइवर भी बोल रही है। मैडम, एसी भी तेज कर दूं क्या? पता नहीं बैंगलोर पहुंचने तक मुझसे क्या क्या करवाएगी। हेलो श्रुति, मैं कैब से आ रही हूँ, मैंने तुम्हें फाइल मेल कर दी है, प्लीज रोशन को इन्फॉर्म कर देना। एंड श्रुति, रोशन को मत बताना कि मैं कैब से आ रही हूँ, उसे बुरा लगेगा। ओके देन, बाद में कॉल करूंगी। कहते हैं लड़कियां हमेशा सच बोलती हैं, तुम तो सुपर स्मार्ट हो। ड्राइवर, क्या तुम साउंड बढ़ा सकते हो? और वो तुम्हारी खाकी शर्ट कहाँ गई? तुम चाहती हो कि मैं खाकी शर्ट पहनूं? या ऑटो सीधा जाके राइट लीजिए। चिल ब्रो, चलो। तो नीलांबरी, क्या रोहन ये बात जानता है कि तुम मुझे डेट कर रही हो? रोशन ब्रो, वो नहीं जानते हैं। रोशन ब्रो, तुम बहुत सारी चीजें छुपाती हो, तुम पर चीटिंग करने का आरोप लगना चाहिए। उसे हर बात बताने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। एंड रोशन और ब्रो के बीच में कॉमा है। वैसे क्या पहले तुम किसी रिलेशनशिप में थी क्या? लाइक फर्स्ट रिलेशन? हाँ थी, लेकिन तब मैं छोटी थी, लाइक
नाइन्थ क्लास में थी। अरे वाह सुपर ब्रो, तो तुम भी रिलेशनशिप में थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। हाँ क्या तुम्हें क्या लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसका क्या मतलब था कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? अरे ऐसा नहीं है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम भी रिलेशनशिप में होगी। इसकी क्या वजह है? मतलब जब मैंने तुमसे डेट पर चलने के लिए कहा तो तुमने मुझसे पूरा घर साफ करवाया, इसलिए लगा अगर तुम रिलेशनशिप में रहोगी तो एक लड़के से क्या क्या करवाओगी। जब मैं नाइन्थ क्लास में थी तभी मुझे 7 प्रपोजल मिल गए थे, उनमें से 4 तो क्लासमेट्स ही थे, उनमें से 2 मेरे जूनियर थे और लास्ट वाला 10th क्लास में था। वाह सुपर, ठीक है मानता हूँ। उन सभी में से तुमने सिर्फ एक ही लड़की को डेट के लिए चुना और उसमें भी तुम फेल हो गई, कैसे? तुम्हें क्यों जानना है? जस्ट टू नो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। तुमने चॉकलेट ना देने की वजह से ही तो उसे छोड़ा नहीं ना? अगर मैं तुम्हें रीजन बताऊँ तो तुम क्या करोगे? हाँ तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ एक्चुअली उसकी और मेरी एज सेम टू सेम थी, मैंने अपने से छोटे को चुना होता तो वो मेरी बात मानता, अगर मैंने अपने से बड़े को चुना होता तो वो मेरी हर बात समझता, तो मैंने अपनी एज वाले को चुना और एक दिन उसने लाइब्रेरी में मुझसे किस मांगी और मैंने उसे एक तमाचा मार दिया। तुम कहोगे कि हार्मोन्स की वजह से उसने ऐसा कहा, लेकिन बाद में तुम्हें लगेगा कि तुमसे गलती हो गई, फिर तुम कुछ पॉइंट लेकर मुझे करेक्ट बताओगे, कहोगे ये गलत है ये सही है, पर ऐसा नहीं होता, और लास्ट में कहोगे कि सब कुछ एक रीजन की वजह से होता है। कैसे भी करके तुम ये दिखाने की कोशिश करोगे कि तुम मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, और बदले में मैं बोलूंगी ओह सो स्वीट, जैसा भोली और नासमझ लड़कियां करती हैं, वो किसी भी लड़के की बातों में आ जाती हैं। सही कहा ना? मुझे किस तरह का एक्सप्रेशन देना चाहिए अब? ओह सो स्वीट, बस यही। इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है? छोटा सा सवाल पूछा था लेकिन इसने तो पूरा लेक्चर सुना दिया। अरे यार इसके साथ बैंगलोर जाना ही नहीं चाहिए था, सूची को पता चला तो मेरी जान ले लेगी। नीला नीला हाईवे पर खड़े हैं, ट्रक वाले गुजर रहे हैं रास्ते से, मुझे बता क्या आना चाहिए था, ऐसे कौन गायब होता है भला? मैं मंदिर आ गई, घर से निकलने से पहले मैं प्रे करना भूल गई थी इसलिए। हा? मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखाया है। अच्छा पुजारी जी, ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास करने से क्या फायदा होता है, समय की बर्बादी नहीं लगती? मान्यताएं और अंधविश्वास हल्दी और सिंदूर की तरह अलग अलग होती हैं। हल्दी और कुमकुम। अच्छा पुजारी जी, प्रोफेशन के लिए शादी करना हल्दी है या फिर कुमकुम? मंत्र जपने से भोजन नहीं मिल सकता बेटा। सर इसे समझने के लिए मेरे पास सबटाइटल नहीं है, साफ साफ बताइए ना। कोई भी पानी से दिया नहीं जला सकता है। नहीं जला सकते? वाह नीला, क्या उन्होंने तुमसे पूछा, कुछ पूछा उन्होंने तुमसे, तो मेरी प्रोफेशन और शादी के बारे में क्यों बताया? मुझे बताना पड़ा क्योंकि तुम हल्दी और कुमकुम में फर्क नहीं जानती ना, इसलिए। गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, किसी शांत जगह पर चलते हैं। चलो बताओ तुमने क्या समझा? हर चीज, अब फिल्मी लोग तो अंधविश्वास से ही भरे हुए होते हैं, तुम लोगों की हर बात पर एक कंफर्म क्लैरिटी है। ए तुमने ये क्या लगा रखा है हा? फिल्मी लोग क्या ये? क्योंकि तुम वो हो, क्या जरूरत है नारियल को फोड़कर चढ़ाने की? मूवी टाइटल में SSC और CC क्यों जोड़ती हो? क्या फिल्में कार्बन कॉपी होती हैं? फिर शुभ मुहूर्त चुनते हो? आजकल शादियां भी शुभ मुहूर्त देखकर नहीं होती, और तुम फिल्मों के लिए शुभ मुहूर्त देखते हो? क्या ऐसा करके हर बार मूवी सक्सेस हो जाती है क्या? नहीं होती है ना, और तो और मूवीज की जरूरत ही क्या है? ओ देवी नीलांबरी, अभी हिस्ट्री चैनल खोल कर मत बैठ जाना, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। मूवीज बाबू, कैमरा एंगल ओके है ना, लाइट्स वगैरह सब ओके है ना, फोकस ओके है ना, और मेरा मेकअप ओके। तुमने क्या सवाल किया था, मूवी से फायदा ही क्या होता है? वॉइस ओके है ना, ओके। मूवीज, एक इंसान जब जन्म लेता है और जब स्कूल जाता है, अपना टिफिन बॉक्स सबके साथ शेयर करता है, 10th क्लास में हो और जब कोई लड़की राखी बांधे तो उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए,
कॉलेज में लड़की के साथ फ्लर्ट कैसे करें, कैसे प्रपोज करें, कैसे इम्प्रेस करें, कैसे उसके दिल की बात जानें और उसे क्या और कैसे गिफ्ट दें, रात में दीवार से कूदकर कैसे उसके घर जाएं, कैसे समाज से जुड़ें, उसे बाबू जानू कैसे कहें, गलती होने पर उससे माफ़ी कैसे मांगें, और जब ब्रेकअप हो जाए तो रोने की बजाय हिम्मत कैसे दिखाएं, लव फेलियर के बाद कैसे हिम्मत रखी जाए, किस तरह टिंडर जैसे एप्लीकेशन से नया पार्टनर ढूंढा जाए और कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, ये सब सिखाती है हमारी मूवीज। लव फेलियर के बाद लाइफ बर्बाद हो जाती है, कुछ लड़के लड़कियां तो डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने तक की सोचने लग जाते हैं, मूवीज उन्हें बचाती हैं। कैसे शादी की जाए और फर्स्ट नाइट को कैसे रंगीन बनाया जाए, ये सिखाती हैं मेरी मूवीज, मतलब हमारी मूवीज, जिसने सिखाया दादी और मौसी को परिवार के साथ कैसे प्यार करना चाहिए, जिसने सिखाया भाइयों और बहनों को कैसे प्यार करना चाहिए और कैसे दूसरों का सहारा बने, ये सब कुछ बैकग्राउंड सपोर्ट की तरह दिखाती है मूवीज। संडे का मजा देती है मूवीज, लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने मूवी ले जाते हैं, सभी दोस्तों का एंटरटेनमेंट होती है मूवीज, यहाँ तक कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हमारी मूवीज का रिव्यू करके पैसे भी कमाते हैं लोग, शॉपिंग मॉल की बात हो या ज्वेलरी शॉप की बात हो, उसकी ओपनिंग के लिए हमारी इंडस्ट्री को बुलाते हैं। ये तो छोड़ो, स्टेट के MP, MLA और तो और CM तक भी हमारी मूवी के लोग बनते हैं, और तो और चलो तुम्हें देखकर लग रहा है कि इतना काफी है, ये मेरा लास्ट डायलॉग है, बहुत सारे मोनोलॉग है ना, ओके ना। पहले तो बिना किसी वजह के इतना बड़ा लेक्चर दिया और अब देखो बच्चों की तरह कैसे सो रही है। अगर मैंने कुछ बोल दिया होता तब तो ये चैनल ओपन कर देती। जो बेवकूफ इससे शादी करेगा उसे तो ये महीने भर के अंदर ही बहरा बना देगी। पर तो हॉर्न बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल, कम से कम फाइन तो लगाना चाहिए। हम अभी भी मंदिर के एरिया में क्यों हैं? क्या हुआ? पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था ना, इसलिए ट्रैफिक जाम में। एक्सीडेंट? कहाँ पर? हाँ, बाद में क्लियर भी हो गया था। क्या तुम अंधे हो गए हो क्या? चलो उठो, खड़े हो जाओ। भाई माफ करो भाई, थोड़ा जल्दी में था। जल्दी में था मतलब? लाइसेंस अप्रूव कैसे हुआ? सॉरी भाई। उम्र क्या है तेरी? 20 साल भाई। कम, गेट। भाई सॉरी भाई। सॉरी भाई। राम हैंकी। कम, हम वहां बैठते हैं। अब इसकी रिपेयरिंग के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भाई सॉरी भाई, अर्जेंटली ट्रेन पकड़नी है। इतना क्या अर्जेंट है? प्रिया। हाँ? आओ प्रिया, हमें ट्रेन के लिए लेट हो रहा है, जल्दी आओ। इसमें हमारी गलती थी दीदी, ट्रेन पकड़ने के चक्कर में थोड़ी जल्दी में थे, सॉरी दीदी। प्रिया आओ ना। ये हाईवे है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हर तरफ ट्रक ही ट्रक है। किक मारना बंद कर, गाड़ी में बैठो। हाँ भाई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, हम रास्ते में ही हैं। लिफ्ट मिल गई है, ट्रेन आ गई क्या? हाँ जल्दी पहुंच जाएंगे। ये रो क्यों रही हो? छोटी छोटी बात पर रोने लगती हो, हर टाइम रोती हो। भाई नाम क्या है तुम्हारा? सूरी है भाई। इस लड़की पर इस तरह चिल्ला क्यों रहा है तू? ये इसी काबिल है भाई, मैंने सब कुछ अच्छे से प्लान किया था लेकिन आखिरी मोमेंट पर रोना शुरू कर दिया। अगर घर वालों को पता चल गया तो मेरी माँ परेशान हो जाएगी, पूरा प्लान मेरा खराब कर दिया। इसे समझाने में मेरा आधा दिन निकल गया। आखिर प्लान क्या है? दरअसल भाई, हम दोनों प्यार करते हैं, इसकी माँ बहुत ही शक्की टाइप की है और झगड़ा भी बहुत करती है, इसलिए हम दोनों भाग आए।
तुम लोग भाग कर आए हो? हाँ दीदी। जब वो तैयार नहीं थी तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए तो रो रही है। ए, रोना बंद कर, क्या होगा रोने से? तेरी तो मनहूस लड़की। मनहूस लड़की, ये कैसा प्यार हुआ तुम्हारा? सच्चा प्यार कहीं नहीं है नीला, ये सब तो टेम्पररी है, कुछ दिन के अंदर ही ये बोरिंग भी बन जाएगा। टूथपेस्ट से लेकर मच्छरदानी तक हर चीज पैसों से जुड़ी है, एक बार पैसा खत्म सीधा बैक टू होम। भाई ऐसा कभी नहीं होगा, हमारा प्यार एकदम प्योर है। तुम इसकी देखभाल कैसे करोगे? आसान है दीदी, मेरे पास 5,000 है, मेरे दोस्तों ने हेल्प की इसलिए उनके पार्टी में 2,000 खर्च करूंगा, 3,000 बच जाएंगे और फिर एक महीना एंजॉय करूंगा। 3,000 रुपए में एक महीने तक? परफेक्ट प्लानिंग सर। थैंक्स भाई। उसके बाद क्या करोगे? उसका भी एक प्लान है, इसके पास एक सोने की चैन है, उससे बेचकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। भाई यहां से लेफ्ट ले लो। कौन सा बिजनेस? मुझे ऑटो चलाना आता है इसलिए एक ऑटो खरीद लूंगा। एक चेन से तुम्हें 10,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाला। मैंने अपने दोस्त के पापा से पैसे के लिए बात की थी, वो हमारी हेल्प कर देंगे, उसके बाद मैं ऑटो चलाऊंगा और पैसे भर दूंगा। प्रिया, तुम किस चीज की पढ़ाई कर रही हो? इंटर में हूँ दीदी, नेक्स्ट मंथ में मेरे एग्जाम्स भी हैं दीदी। लेकिन अब क्या करोगी, घर बैठ के कपड़ों की सिलाई करोगी क्या? सुपर आइडिया भाई। कपड़ों की सिलाई? सुहरी, तुम इस लड़की से प्यार क्यों करते हो? प्यार ना, बस हो गया भाई। हाँ भाई, ये यही स्टेशन है। भाई रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। इतनी छोटी सी खरोंच नहीं सह पा रही हो, घर से भागकर शादी करना तो इससे ज्यादा दर्द भरा होगा। मुझे तो कहीं से ये लड़का सीरियस नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार करना शादी करना गलत है, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो दर्द होने पर तुम्हारी चिंता करता, मनहूस लड़की नहीं कहता। नहीं दीदी, वो ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझे अपने खून से लेटर लिख कर दिया था। खून वाला लेटर? पुराना बकवास फैशन। तो खून से लेटर लिखा तो क्या, सिर्फ इसी वजह से तुम उससे प्यार करती हो? उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। वो अभी टेंशन में है ना, इसलिए दीदी। प्रिया, नमक कभी अपना कैरेक्टर नहीं बदल सकता, तुम्हें अभी ये समझ नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, ये सिनेमा वाले ही भाग के शादी करना सिखाते हैं। थोड़ा इन लोगों की रियल लाइफ भी तो दिखाया करो ना, इसे भी अपने हिस्ट्री चैनल में ऐड कर लो। इसलिए मैं कहता था नीला कि लव सिर्फ एक रात की चीज नहीं है, पुराने लोगों से पूछो, वो तुम्हें अच्छे से समझाएंगे, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। राम, यू आर नॉट हेल्पिंग। व्हाट हेल्प? हम चाहते हैं कि प्रिया समझे कि वो गलती कर रही है, वो सिर्फ 18 साल की है, एक लेटर की वजह से प्यार करने लगी, जरा सोचो कितनी मासूम है ये। तुम तो फिल्म राइटर हो ना, कुछ लिखो इस पर भी। ओके, डू लाइक दिस। अरे वाह, ये मूवी वाले लोगों के आइडियाज बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते। भरोसा करो नीला, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं कभी तुम्हारी मूवी थिएटर में नहीं देखने वाला, अगर गया भी तो सिर्फ एसी में सोने के लिए जाऊंगा। एक्ट वेल। राम, इधर आओ। अब क्या, कोकोनट तोड़ने वाली हो? अपना चश्मा पहनो। हाँ, सिनेमैटिक, मैं कोई हीरो हूँ क्या? कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी मूवी नहीं देखूंगा। भाई, ये मेरे दोस्त लोग हैं। क्यों रे, जानता है कि मैं कौन हूँ? जरा ध्यान से देख, फिर बता मुझे कहीं देखा है क्या? नहीं सर, ये देखने में पुलिस जैसा लग रहा है। तुझे पता है ना कार में मेरे साथ कौन था? डीजीबी की बेटी। हम पकड़े गए क्या? मेरे एक ही फोन से तुम सब लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। भाई मैंने कुछ गलत किया क्या? बस प्यार ही तो करता हूं। ए, थर्ड डिग्री क्या होती है पता है क्या? अगर मैं तुझ पर खौलता हुआ पानी डाल दूं ना तो ऊपर से नीचे तक तेरी सारी खाल निकल जाएगी, बहुत दर्द होगा तुझे। सर, मैं डीजीपी का रिलेटिव रामचंद्र बात कर रहा हूँ सर। मैंने सुना है कि हाल ही में पोलमपल्ली में 4 लड़कों ने एक लड़की को बेच दिया था। प्लीज सर, प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए सर। उनके नाम तो बताना मुझे। अब्दुल सन ऑफ गाजा। अब्दुल सन ऑफ गाजा,
अब्दुल सन ऑफ गाजा और सुरेश, सुरेश सन ऑफ मल्लेश। हाँ, मैं ही भाई। मुकेश आलियास पांडू सन ऑफ तिरुमल। तेरा नाम पांडू? हाँ, है क्या? मैं ही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है भाई। इसने ही कहा था कि प्रिया को साथ में रखेंगे फिर उसके घर वालों से पैसे मांगेंगे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। भाई मैं भी बेकसूर हूँ। ये सब सूरी का किया धरा है। इसने बोला था कि अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो ये मेरा लव मैटर घर में बता देगा। मैं सच कह रहा हूँ भाई, चाहो तो पूछ लो। अपने जाल में अब तक कितनी लड़कियां फंसाई हैं? सच बता दे मुझे। भाई लोग भागो। नीला तुम यहीं रुको। ओके। तुम मेरे साथ आओ। ओ रुक जा भाई, इसे वापस ले आया हूं, ये कहीं नहीं जाएगी अब। अंकल जी, प्रिया रास्ता भटक गई थी और हाईवे पर जाकर रुक गई। उसका एक्सीडेंट हो गया था। अगर टाइम से ट्रेन में बैठ जाती तो और बुरा होता। उसे सही रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य है ना अंकल? उसे मुझे तो बताना चाहिए था। मुझे उसके जाने का दुख नहीं था, दुख इस बात का है कि उसने मुझ पे भरोसा नहीं किया। प्रिया, एक लड़की जो प्यार में पड़कर शादी कर लेती है उसे भी हीरो कहा जा सकता है, लेकिन जिस लड़की को अपनी कीमत का एहसास हो और जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी सारी बाधाओं को पार कर लेती है वही असली सुपर हीरो होती है। ठीक नीला की तरह एक लड़की फूल जैसी नहीं होनी चाहिए जो एक दिन में गिर जाए। लड़की तो वो हो जो पेड़ की तरह तूफान का सामना करे। हैप्पी बर्थडे सुपर हीरो होंडा। थैंक यू भैया। चिंता मत करो, अच्छा सा शॉर्टकट लेकर मैं तुम्हें टाइम पर पहुंचा दूंगा। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, उसने कोई टाइम कंफर्म किया था? ये प्रोड्यूसर लोग कभी टाइम से मीटिंग नहीं करते, अचानक से कॉल कर देते हैं। बाद में आने को कहा तो मीटिंग कैंसिल। बहुत ही मूडी लोग हैं। ओके ओके कूल, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। मुझे अपनी ड्राइविंग पर भरोसा है। अगर हमने किसी लड़की की जिंदगी बचाई है तो लेट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टर, व्हाट वाज दैट? हैप्पी बर्थडे सुपर हीरो। और तुम मुझे भी सिस्टर बोलोगे क्या? अपने रोहन से बोलो कि तुम्हें सिस्टर बोले। रोशन। अरे नीलांबरी जी, मैंने इसे भूलने के काबिल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। ओहो ड्राइवर जी, एसी खराब है क्या? मेरे हिसाब से तो सही थी। मैं वो नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी कि फिर से अपना हिस्ट्री चैनल शुरू मत कर देना। हिस्ट्री चैनल बोल रहे हो? मैं तो उसी भाषा में बोलती हूँ जो तुम जानते हो। बिल्कुल भी नहीं, मेरा इतना सरदर्द कर रहा है कि अपना नाम तक भूल गया मैं। तुम्हें क्या लगा फिल्म इंडस्ट्री पर कमेंट करोगे तो आसानी से छोड़ दूंगी तुम्हें? रामचंद्र, तुम अपना नाम भूल गए थे ना। तुमने वो सीन बहुत अच्छे से प्लान किया था। इसी स्टाइल में मूवीज लिखती हो? ऑलमोस्ट ऐसे ही, बट इंस्पिरेशन के साथ। हम बस एक पॉइंट को बड़ा बना देते हैं जिससे सिनेमैटिक बे कहते हैं। सिनेमैटिक बे क्या होता है? ये सब कनेक्टिंग का खेल है जो ऑडियंस के भरोसे होता है। मैं कुछ समझा नहीं, एग्जांपल देकर समझाओ ना। एग्जांपल क्या दूं? एग्जांपल मतलब जैसे तुम कहानियां लिखती हो ना, बस वही बता दो, मैं अपने रिव्यू भी दे दूंगा। तुम्हें अच्छी लगेगी तभी सुनाऊंगी, पर रिव्यू दोगे तो नहीं सुनाऊंगी। तो तुम्हें ये डर है कि कहीं मैं फ्लॉप ना बोलूं? ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान के लिए मूवी का बैकग्राउंड और म्यूजिक भी बहुत मैटर करते हैं। तो फिर चलो सुनाओ ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे रिव्यूज दूं। मैं तभी सुनाऊंगी जब तुम अपने मुंह पर टेप लगाओगे। अगर मैं कोई सवाल करूंगा तो तुम अपना चैनल खोलकर बैठ जाओगे, इसलिए सोच रहा हूँ कि सिर्फ तुम्हारी स्टोरी सुन लूं। ओए ठीक है अब सुनाओ। ये रोमकॉम स्टोरी है। हीरो यही कोई 25 साल का है। वो एक नर्सरी का काम करता है। एक लड़की उसके पास पौधे लेने आती है और वहीं पर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन लड़की उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। रमेश कहता है कि हम नए कपड़े तभी खरीदते हैं जब हम कहीं घूमने जाते हैं या कुछ अच्छा होता है। ये हम एक ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। वो बोलता है कि वो वजह गीता तुम ही हो। इतना बोलकर रमेश गीता के हाथ पर किस कर लेता है और फिर राम।
ए मेंटल, दिमाग खराब है क्या? कोई ड्राइविंग करते वक्त सोता है क्या? मेंटल मैं नहीं, मेंटल तुम हो समझी। इस तरह स्टोरी कोई नरेट करता है क्या? किसी को भी सुनते सुनते नींद आ जाएगी। खुद को फिल्म राइटर बोलती हो। खुद तो सो जाते हो और मुझे कह रहे हो कि मैंने तुम्हें सोने के लिए फोर्स किया। तुमने तो कहा था बताओ बताओ। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था ना कि तुम लोरी की तरह गाती हुई सुनाओ स्टोरी। सीधे सीधे बोलो कि स्टोरी समझ नहीं आई। मेरी मूवी को दोष मत दो। इस तरह की स्टोरीज की वजह से स्टूपिड मूवीज को भी अवार्ड मिल जाते हैं। स्टोरी पर कमेंट मत करो, नहीं देखना है तो मत देखो। हाँ, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं ये मूवी देखने जाऊंगा? अगर देख भी ली तो रिव्यू दूंगा कि नीलांबरी की फिल्म बोरिंग है। इसे देखने से अच्छा है कि किसी भिखारी को भीख दे दो। और वो क्या था, थैंक्स फॉर स्माइलिंग? थैंक्स फॉर स्माइलिंग नहीं बल्कि थैंक्स फॉर स्लीपिंग कहना चाहिए। परफेक्ट टाइटल है, ऐसी मूवी देख के नींद ही आती है। बस करो, हाँ बहुत बोल चुके हो तुम। हेलो नीला, कहाँ हो तुम? रोशन, मेरा टाइम से आना मुश्किल होगा। क्यों, व्हाट हैपेंड? रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं ठीक हूँ लेकिन कार डैमेज हो गई है। नीला ये तुम क्या बोल रही हो, तुमने तो बोला था कि तुम बस से आ रही हो। हाँ पर तुमने ही जल्दी आने को कहा था, मुझे बस और फ्लाइट टाइम से मिल ही नहीं रही थी इसलिए। किसकी कार है, कैब है क्या? नहीं सुची की कार है। ओ, सुची ठीक तो है ना? सुची नहीं है, मैं उसके भाई के साथ हूँ। राम? हाँ। ओ, तो तुम राम के साथ आ रही हो? हाँ, डोंट वरी, मैं सेफ हूँ। हे, तुम्हारे साथ कोई और नहीं है क्या? वो अकेला ही है। रोशन, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओ, तुम राम के साथ आ रही हो और चाहती हो मैं अंडरस्टैंड कर लूं। रोशन, तुमने ही तो कहा था अर्जेंट आने के लिए, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो तुम राम के साथ आओगे? वाओ, मैंने तुम्हें अचानक फोन किया, तुम अचानक तैयार हुई और अचानक से राम भी अटपका क्योंकि नीला को इमरजेंसी थी। क्या तुम उसे यही कहना चाहती हो? रोशन, आई नो वेयर यू आर लीडिंग दिस टू। लेट मी कंफर्म वन थिंग, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मुझे कभी राम पर क्रश था। नॉट इवन सुची। कट दिस बुलशिट नीला। हाँ, इट इज वेरी क्लियर। तुम रिलेशनशिप में हो ना, मेरे लिए बहुत आसान है। तुम रिलेशनशिप में हो ना, मेरे लिए बहुत आसान है। हाँ ओके ओके। नीला, कार खराब हो गई है, मैंने अपने दोस्त को फोन किया है, उसके आने तक हम किसी होटल में रुक जाएं क्या? नीला, परफेक्ट प्लानिंग की है तुमने, मुझे पहले कभी डाउट नहीं हुआ था। मैं अगर शांत हूं तो सिर्फ और सिर्फ सूची की वजह से। अरे ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, समझने की कोशिश करो। शट अप राम, सॉल्ट वोंट चेंज इट्स कैरेक्टर। माय रिलेशनशिप वाज हेल्दी। अगर प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है तो पर्सनल लाइफ खराब होती है, या पर्सनल अच्छी हो तो प्रोफेशनल लाइफ खराब होती है, लेकिन मेरी तो दोनों लाइफ खराब है। अगर तुम्हारे जैसे 10 लड़के आ जाए तो भी मेरा रिश्ता नहीं तोड़ सकते, और हर लड़की एक जैसी नहीं होती। तुम प्यार को कभी नहीं समझ पाओगे। आज से मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जस्ट लीव इट। उम्मीद के साथ शुरू हुआ सफर हाईवे पर आकर टूटकर मायूसी में बदल गया। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में एक पतली सी कील ठोकी जा रही है। सॉरी नीला। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं सुबह तक तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला दूंगा। वो तुम्हें एक छोटा सा इंजेक्शन देंगे और तुम ठीक हो जाओगी। ओके ना? अपनी कार से इतना प्यार? इसकी मोटर की साइड से टक्कर हुई है इसीलिए इसकी बेल्ट टूट गई है। ओह, हाय सर। राम। हाय, मोहन चंद्र, रिटायर्ड ऑफिसर। वाओ, आर्मी या सर्विस टू नेशन?
व्हाट अ फीलिंग सर. सर्विस टू नेशन, इट इज ग्रेट फीलिंग इन माय लाइफ. एंड व्हाट डू यू डू? नीला ये क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी सर, वन मिनट. तुम यहां क्या कर रही हो? जाकर मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की तुमने? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो. मुझे ब्लेम देकर तुम चली गई? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता. मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम समझोगे. वो मेरे 6 घंटे के सफर को भी नहीं समझ सका. हम 60 साल तक कैसे रह पाएंगे? सही से समझने वाले एक को भी नहीं जानती. ऑल मैन आर डॉग्स. बात बात पर भौंकना, भौंकने से पहले वो लोग एक बार भी नहीं सोचते कि हम पर क्या गुजरी है. और कुछ तो ऐसे होते हैं जो सद्गुरु की तरह ज्ञान देना शुरू कर देते हैं. सॉरी, इतनी देर कार खींचने के बाद मैं थक गया था, इसलिए मैंने अपना आपा खो दिया. Hell with your reasons. Sugar won't change its character. अरे नीला, आप इस उम्र में भी कितना काम करते हैं सर. किस लड़की को इंप्रेस कर रहे हैं वैसे? अंजलि मेरी लाइफ लॉन्ग लव है. अंजलि इधर आ. माय लव गीतांजलि. सर कैन आई हग यू वंस? श्योर. बट वाई? अब इस उम्र में भी कितने केयरिंग. मैं सच में आपसे इंप्रेस हो गया. ये सब कैसे सर? इट हैपेंस बट इट टेक्स टाइम, बट इट हैपेंस मैन. टर्न्स ऑफ लव टू यू एंड योर गीतांजलि सर. मेरी गीतांजलि ठीक है, लेकिन तुम्हारी गीतांजलि का क्या? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? माय वाइफ लीलांबरी, वो चाहती है कि मैं हर दिन लव करूं सर. मैंने उसे कहा कि वीकेंड्स तक तो ठीक है, हर दिन करने के लिए और भी काम होते हैं ना. यू आर सो लकी. लकी बॉय, ये टाइटल तो आप पर सूट करता है. पहले मैं 100 kg था, अब देखिए 70 kg का रह गया हूं. रोज काजू पिस्ता खा के थक गया हूं मैं सर. काजू और पिस्ता? ओह. वो मुझसे कहती है कि सिर्फ वीकेंड ही क्यों, इससे बिल्कुल तौबा तौबा कर लो. अरे सर मैं बहुत ही परेशान हो गया हूं. जब नहा रहा होता हूं तो पानी बंद कर देती है, टीवी देखना चाहता हूं तो रिमोट छुपा देती है, कॉफी में नमक मिला देती है, करी में कुमकुम पाउडर मिला देती है. वो मुझे लुभाने के लिए मेरे सामने शॉर्ट ड्रेस पहनकर भी आ जाती है सर. इसलिए उसका मन बहलाने के लिए मैं उसे नाइट राइड पर ले आया, लेकिन रास्ते में कार ने बहुत बड़ी मुश्किल पैदा की. इसलिए सर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखकर बड़ा अच्छा फील हो रहा है. थैंक्स अ लॉट. क्या मोहन, मेरे बिना यहाँ बैठकर मजे कर रहे हो? नहीं डार्लिंग, इनसे मिलो, माय फ्रेंड राम. हेलो मैम. उनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही फनी है, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा. मेरी भी कम नहीं है. देखो सफेद ड्रेस पहने हुए लड़की देख रही हो ना, वो उन्हें डेली काजू पिस्ता खिलाती है, लेकिन फिर भी ये बेचारे परेशान है. बोलते हैं कि इस चक्कर में इनका 100 kg से घटकर 70 kg वजन रह गया. बाप रे इतना बड़ा बोझ. मुझे नहीं पता अब क्या करूं, या तो फुल रहो या फिर नील रहो. अब इस उम्र में फुल और नील के साथ कैसे खुश रह सकता हूं? डोंट वरी बेटा, अगर हम उससे बात करें तो ठीक रहेगा ना. हाँ प्लीज कीजिए ना. हेलो ब्यूटीफुल. आप तो हमेशा सिर्फ मुझे ब्यूटीफुल बोलते हो. जस्ट अ मिनट आंटी. ओके बेटी. हेलो नीला. आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ लाइन चला गया था जब तुमने बोला कि रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया है. चलो तुम समझ तो गए. आई एम हैप्पी. या सॉरी अगेन. अच्छा कहाँ हूँ अभी? मैं एक ढाबे पर हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ एक ओल्ड कपल भी हमारे साथ है. कूल. बाय द वे प्रोड्यूसर की मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, अब नेक्स्ट वीक में होगी. ऐसा क्यों? वो दरअसल प्रोड्यूसर को कोई अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए वो मिल नहीं पाए. इतना इंतजार करने के बाद एक हफ्ता और. नीला तुम्हारा स्टेटस क्या है अभी? तुम आओगी या फिर वापस जाओगी? तुम चाहती हो मैं तुम्हें पिकअप करूं? नहीं नहीं रोशन, आई कैच द बस एंड गो बैक. जल्दबाजी में निकली थी ना, अब घर जाके अपना काम खत्म करूंगी और फिर अगले हफ्ते आऊंगी. बट बी केयरफुल. इट्स फाइन. ओके नीला. ओके रोशन, टेक केयर, बाय.
सीरियसली अंकल आंटी, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो नेक्स्ट लेवल है। क्या मैं आपको एक बार हग कर सकती हूँ? अरे वाह, एग्जैक्टली द सेम, हाउ कम? क्या मतलब? अरे आपके हस्बैंड राम ने मुझे हग करने के लिए बोला था और आपने भी, हाउ कम? हस्बैंड? आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कुछ इश्यूज है, पर आपकी तो अभी अभी शादी हुई है। हाँ, हम भी ऐसे ही थे, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता गया अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, आप क्या बोल रही हैं? आई नो इट्स अ पर्सनल इशू, बट सीरियसली एक लड़का जो 100 केजी का था वो बेचारा 70 केजी का रह गया। ये तो सही बात है आंटी, यही तो सही उम्र है ये सब करने के लिए। बेटी अभी तो और जिंदगी पड़ी है, लगभग 40 साल तो मान लो। हम 40 साल तक हमेशा ही थोड़ी उस काबिल रहेंगे, मैक्स टू मैक्स 4-5 इयर्स तक ही बस, उसके बाद हमें बच्चों की और कमाई की फिक्र होने लग जाएगी। मैंने सही कहा ना आंटी? हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। सुना ना आपने, अब हर दिन काजू और पिस्ता खाना भी मुश्किल होता है। तो उसके पास घर में कोई और काम भी तो नहीं है ना, पूरा दिन खाली रहता है, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकता है ना। हाँ ये भी सही है बेटी। आप ही बताइए ना आंटी। हाँ, सही कहा बेटी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। Do you wanna have some water? तुम ही पियो। Hey, नीलांबरी। Your ring. मैं फ्रेश अप होने जा रही हूँ। ठीक है जाओ, मैं तब तक स्मोक करके आता हूँ। तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? वो सीधे जाओ, गेस्ट रूम मिलेगा वहां से राइट। हाँ नीला, ऑल स्माइल्स। हाँ हाँ अंकल, देखो राम रियली कुक्स वेरी वेल। हाँ अंकल, उसका ड्रीम शेफ बनना ही है, बट इस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। शेफ बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, यू जस्ट टेक दिस कार्ड, डायरेक्ट एक्सेस टू आवर होटल, बस स्मॉल फॉर्मेलिटी होगी, हमारा सुपरवाइजर उनके काम को चेक कर लेगा, बस इतना ही, दैट्स ऑल। सच अ ग्रेट हेल्प अंकल, थैंक यू सो मच। क्या इसमें सैलरी भी मिलेगी? साथ में काजू पिस्ता भी खिलाएंगे अंकल। डोंट वरी बेटी। ओके आंटी, मैं अभी फ्रेश अप होकर आती हूँ। ओके बाय, सी यू अगेन, बाय। तुम उस वक्त कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे? बस कुछ खास नहीं, मैं कहना चाहता था कि तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन कहना जरूरी नहीं लगा। क्यों? पर बस ऐसे ही। मैं भी कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अच्छी लग रही हो तो रोशन को बहुत ही जलन फील होगी ना, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। तो जलन की बात है पक्का। एंड क्या रोशन ने कॉल किया था? हाँ कॉल आया था, मुझसे सॉरी बोल रहा था। तुम्हारे चेहरे पर भी वो बात रिफ्लेक्ट कर रही है। मौसम कितना अच्छा है ना, इस टाइम पर तो मून वॉक करनी चाहिए। ए छोटो, ये फॉर्म हाउस में देखा रहा। वैसे लास्ट टाइम 1 month पहले तुम हैदराबाद में थी ना, हाउ कम वी डिड नॉट मीट? तुमने अपनी बियर्ड बढ़ाई हुई थी और हमेशा हाई रहते थे, बिल्कुल अर्बन योगी के जैसे, एकदम लव फेलियर। आसपास क्या हो रहा है सब भूल गए थे। इनफैक्ट तुम नशे में धुत थे और तुम्हारा एक बार तो एक्सीडेंट भी हुआ था, मैं भी वहाँ हॉस्पिटल में थी 3 घंटे से ज्यादा। ए बस करो, तुम हॉस्पिटल में थी, झूठ मत बोलो वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, मैं इतनी जल्दी शादी करना भी नहीं चाहती। तो फिर जब दांत गिर जाएंगे तब शादी करोगी? मुझे कम से कम 3 मूवीज बनानी है। अच्छा तो 3 मूवीज बनाने तक तुम्हारा रोशन क्या करेगा? इंतजार करेगा। वाह वाह, तुम्हारे ड्रीम्स भी बिल्कुल कलरफुल है। कलरफुल ड्रीम्स मुझे हमेशा पसंद है, कलरफुल ड्रीम्स बाय नीलांबरी। हाँ सॉलिड लगेगा ना? सॉलिड तो है ही, नीलांबरी। वैसे इस तरह का नाम कैसे पड़ा? अगर तुम्हें अपना कोई दूसरा नाम चुनना पड़े तो वो क्या होगा? दूसरा नाम मतलब? लाइक तुम्हें कोई अपना इंग्लिश में नाम चुनना हो तो? स्नो वाइट। अच्छा तो इसलिए तुम इतनी वाइट हो ना? नहीं, स्नो वाइट के भी पेरेंट्स नहीं थे। मतलब रोशन तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग है? मे बी नॉट। क्या एक छोटी सी जर्नी ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? कह नहीं सकते कि जिंदगी बदल गई, बट या
इससे मुझे सच्चाई का असली मतलब पता चला। एक बात सुनो, शादी के बाद मेरे साथ एक बार लॉन्ग ड्राइव पर चलना, लाइफ की सच्चाई को भी अच्छे से समझा दूंगा। इस जर्नी ने ऑलमोस्ट मेरी एंगेजमेंट तोड़ दी थी, दूसरी पॉसिबल नहीं है। ये तो सच है, मैंने तुम्हें कुछ भी झूठ नहीं दिखाया। वैसे तुम अपना कौन सा नाम रखना चाहोगे? मैं रखूंगा जॉनी सिंस। जॉनी सिंस? तुम नहीं जानती उसे, कभी तो वो डॉक्टर बनता है, तो कभी इंजीनियर, कभी प्लम्बर, तो कभी साइंटिस्ट। कमाल की क्वालिटी है उसमें। ओह गॉड, तुम कुछ भी नहीं सोचते हो। हर लड़का अंदर से ऐसा ही है। Like I said, मैं बस ओपनली बोल देता हूँ। हर कोई अंदर से ऐसा नहीं होता। तुम्हारा रोशन भी ऐसा ही होगा। हाँ, मुझे पता है, तुम घूम फिर कर वही बात करते हो। डोंट ट्राई टू स्पॉल माई माइंड। मैं जानती हूँ, जब तुम किसी अच्छे रिलेशनशिप में होगे तो तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। वैसे तुम्हें अच्छी रिलेशनशिप पर बात करने का कोई भी राइट नहीं है। तुमने तो बोला था तुम योगी हो। अगर तुम प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि नॉर्मल लोगों की तुलना में योगी ज्यादा है। लव में तुम हंस सकती हो, रो भी सकती हो, ब्रेकअप कर सकती हो, बस। तो तुम योगी बन गए। योगी होना एक गिफ्ट है, कोई चांस ही नहीं होता। ओनली बॉयज कैन एंजॉय दैट फीलिंग। एक ऐसा फेज आता है जब हम लव में फेल होने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद तो अपनी अंतरात्मा से मिलते हैं। अरे वाह, तुम भी खड़े खड़े एक पूरी फिल्म बना सकते हो। प्रोसेस हर रिलेशनशिप में सेम ही होती है। एक्सप्लेन। देखो, लव में ब्रेकअप होने की जनरली वैसे तो 5 प्रोसेस होती हैं। रिलेशनशिप की ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्टेज हमेशा सेम ही होती है। किसी को छुप कर देखना, प्रपोज करने के लिए हिम्मत जुटाना, पैरेलल लाइफ को भूल कर हर मोमेंट को एंजॉय करना, दूरी बढ़ जाए तो बैठकर धीरे धीरे रोना, ब्रेकअप के बाद भगवान को कोसना, दुनिया को गाली देना, रोना और कविताएं लिखना, बस। पीएचडी की है कविता, बहुत अच्छी है। अगर तुम किसी सॉलिड रिलेशनशिप में रहते तो तुम्हारी लाइफ अलग ही होती। लव तो हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, किसी काम का नहीं होता ये। हम इस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे होते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं तो उस कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ना बिल्कुल कन्फर्म है। तो सपोर्टिंग पार्टनर ढूंढना चाहिए ना, ठीक अंकल आंटी की तरह। इस उम्र में भी कितने क्यूट लग रहे थे। ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइफ में कभी किसी मोड़ पर अकेला फील ना हो, हम लाइफ में कुछ भी बन सके ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अंकल और आंटी रेयर एक्सेप्शन है, उनके जैसे लोग जल्दी नहीं मिलते। अरे तुम इतनी जल्दी उम्मीद क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम हमेशा प्रॉपर रिलेशनशिप की बात करती हो, या मैं भी एक प्रॉपर रिलेशनशिप में था। मेरी लाइफ में फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। एक बहुत बड़ा होटल था जिसकी ब्रांचेस 7 देशों में थी। अगर मैं सिलेक्ट हो जाता तो मैं सीधे इटली जाता। मैं सिलेक्ट भी हो गया था। मैं सीधे उसके पास जाकर उससे ये बात बताना चाहता था, बट तभी उसने मुझे अपनी एंगेजमेंट पिक शेयर की। जब मैं इस बारे में उससे पूछने गया तो उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मेरी आंखों में बस आंसू थे। मैंने अपना सारा कॉन्फिडेंस खो दिया था, जो मुझे आज तक वापस नहीं मिला। मैं एक मशीन की तरह काम नहीं कर सकता हूं। आमतौर पर हमारी माता पिता हमें हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। मेरी लवर की एंगेजमेंट हो गई, और दूसरी तरफ मेरे मम्मी और पापा भी अलग हो गए। कुछ दिनों बाद मेरी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब हम खुद पर गुजर रही होती है तो हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। साथ रहने में किसको खुशी नहीं होती है राधा? सुख और दुख हमेशा साथ चलते हैं। तुम इतना क्यों नहीं समझते कृष्णा? मैं सोचता था कि सुख और दुख अलग अलग होते हैं राधा। मैं तुम्हें दुख देने के बारे में सोच तक नहीं सकता। पहले किया गया प्यार अब दर्द में बदल गया है, और कल तक ये बोझ भी बन जाएगा। सही कहा ना कृष्णा? नहीं राधा, मैंने सिर्फ लव के बारे में सोचा था। मुझे नहीं पता था कि दर्द भी इसका हिस्सा होता है। मैंने यही सीखा है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उसके साथ अपनी खुशी कैसे शेयर करूं, क्योंकि दर्द बांटना भी तो इसका एक हिस्सा है ना। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी कृष्णा। हम उस समय दूर हो गए थे और इसने हमें अलग कर दिया। मैं इसे क्या कहूं कृष्णा, मेरा भोलापन या फिर बचपना?
शायद इसे अनदेखा करना बोलेंगे राधा। तुम्हारा प्यार कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे उस समय तुम्हारे बॉन्ड को समझना चाहिए था कृष्णा। बॉन्ड? फर्स्ट टाइम किसी शादी में तुम नकली दुल्हन बनकर बैठी हो, तुम्हारे माथे पर काली बिंदी, वो लाल चूड़ियां जो गांव के मेले में तुम्हें पसंद थी, 10th क्लास में, प्लस टू में जब तुम्हारे डैडी ने मुझे पीटा और तुम्हारी आंखों में प्यार था, मुझे सब याद आ रहा था। तुम मेरे पास आई और मुझसे शादी करने के लिए कह रही थी, और फिर तुम मुझे अपने साथ ले गए और मुझसे शादी कर ली। तुम पिटने की बात भी नहीं डरे, और तुम मेरी चोट देखकर रो पड़ी थी, और मुझे रोता देख तुम हंस पड़े। मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट टाइम्स तुम्हारे साथ ही थे राधा। मुझे वो दिन याद है जब मैंने तुमसे शादी की थी, दैट वॉज द मोमेंट। हाँ कृष्णा, जब मैं उस मंगलसूत्र के बारे में सोचती हूँ जो तुमने मुझे पहनाया था, तो ऐसा लगता है वक्त वही थम जाता। आई विश आई कुड रीलिव दैट मोमेंट। काश मैं उस पल को दोबारा जी पाती। कृष्णा, हेलो श्रुति। नीला, वेयर आर यू? बैंगलोर से 90 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर। नीला, आर यू ऑल राइट? या, बस थोड़ा सा वेदर चेंज है, इतना ही। टेल मी श्रुति। ट्राई टू कम एज सून एज पॉसिबल। प्रोड्यूसर सर 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। पर मीटिंग तो पोस्टपोन हो गई थी। रोशन ने कहा था। नहीं नीला, मीटिंग आज ही है। मुझे नहीं पता कि रोशन ने ऐसा क्यों बोला तुम्हें। उसने तुम्हारा नाम भी स्टोरी से हटा दिया और अपने नाम से नई फाइल प्रिंट की। Something is not good, Neela. So please come fast. Yeah, Shruti. Thank you for the information. जो भी status हो मुझे update करना. ठीक है, I'll keep you informed. Bye. Bye. और फिर हीरो हीरोइन से रोमांस करने के लिए हीरो उसके घर पे जाता है और पैशनेटली किस करता है। तभी हीरोइन का बाप आ जाता है। Excuse me, ये किस सीन कहाँ से आ गया? पहली बार जब तुमने कहानी सुनाई थी तब तो उसमें किस सीन नहीं था, अब ये कहां से आ गया? या बट कमर्शियली ये सक्सेस नहीं होगी। रोशन, कमर्शियल एस्पेक्ट की चिंता मत करो। मैं काफी दिनों से एक अच्छी फिल्म प्रोड्यूस करने की सोच रहा हूं, और कब तक इंतजार करूं? लेकिन कहानी तो वही है सर। नो नो, आई डोंट थिंक सो।
सर आपने जिसे फर्स्ट टाइम पसंद किया था वो स्टोरी ये है। अब ये कौन है? नीला सर, एक्चुअली ये स्टोरी इन्हीं की है। यस सर, ये स्टोरी मेरी है। ये उसका नाम बदलकर आपके पास लाए थे। हाँ, यही कहानी तो थी। तुमने इसका नाम क्यों बदला? इन्होंने झूठ बोला कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है सर। अच्छी बात है, एक लड़की फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है और तुम उसकी स्टोरी के साथ ये सब कर रहे हो। मैं माफ करने वाला प्रोड्यूसर नहीं हूँ, डायरेक्टर मतलब कैप्टन ऑफ द शिप। अब तुम मेरी प्रोड्यूस की हुई फिल्म कभी भी डायरेक्ट नहीं करोगे। आप बैठिए ना। आपका नाम क्या है? नीलांबरी सर। मेरी माँ का नाम भी नीला है, मतलब आसमान। तुम एक दिन कामयाब बनोगी। टॉक टू द मैनेजर रिगार्डिंग द पेपर वर्क, यू आर डायरेक्टिंग इट। वेलकम डियर। डायरेक्ट करना है? थैंक यू सो मच सर। यू डिजर्व इट। हैप्पी फॉर यू नीला, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, फाइनली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। सर आई कैन एक्सप्लेन, इट्स इनफ। अभी का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो आपके भाग्य में है वो होकर ही रहेगा। अपनी गर्लफ्रेंड की शादी के बाद वो सीधे यहाँ आया था। मैं प्यार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन इस जर्नी ने मुझे यह एहसास कराया कि मैं उस लड़की के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। प्यार में ऐसा ही होता है क्या? इस दुनिया में हर किसी की लव मैरिज नहीं हो पाती है क्या? लड़के प्यार के मामले में बहुत कमजोर होते हैं। हमें बस दाढ़ी बढ़ाकर योगी बनना आसान लगता है। हम कैसे बदले? वो क्यूट सी स्माइल, उसका मुझे देखने का तरीका, और जो वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ। वो बिना लाइन चूके फ्लुएंटली बात करती है यार, कितनी अट्रैक्टिव है ना। सच में मैं बहुत लकी हूँ। जब वो दूर से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है तो कितनी क्यूट लगती है ना। जिस तरह हम उसके साथ बिताए हुए हर पल को एंजॉय करते हैं और फील करते हैं, लगता है जैसे पेरी वाटर। हाँ, टाइम पर सही वर्ड्स भी याद नहीं आते हैं यार। रोमांचकारी एहसास जब वो मेरा नाम पुकारती है। मैं भी कविता लिख रहा हूँ भाई, और अब तो मुझे लंका जाना है। मुझे सब कुछ जलाकर अपनी सीता को वापस लाना है। सिर्फ यही राम नहीं, हर राम को मेरी तरह ही होना चाहिए, जिन्हें हनुमान जी का सपोर्ट हमेशा मिलता आया हो। लेकिन हमेशा हनुमान जी पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि लंका में फंसी हुई स्त्री हो सकता है वो तुम्हारी सीता या तुम्हारी पूजा है। भाई भाई, मैंने देखा। क्या तुमने अपनी सीता को? हाँ भाई, वो मेरी सीता है, वो मेरी पूजा है। तुम्हारी पूजा है? हाँ भाई, मेरी ही पूजा है। कंफर्म है ना? प्रॉमिस। वो मेरी पूजा है। ए, थोड़ा तो मिला है, नहीं तो लिवर डैमेज हो जाएगा। ये है मेरा कालीदास। हर किसी को अपने पसंद से ही शादी करनी चाहिए। शाबाश मैन। जल्दी यहाँ से चलो वरना लोग आ जाएंगे। आजा 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 जल्दी आजा। ये मेरी पूजा, मेरे साथ है राम।
राम मेरी पूजा मेरे कालिदास। साथ है। I love you, राम, I love you. आज मैं बहुत खुश हूँ राम, बहुत खुश हूँ। बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा है। लग रहा है मेरा सपना पूरा हो गया। सोचा नहीं था जिंदगी में अपने कालिदास से मिल पाऊंगी, बट इट हैपेंड। मेरे लिए भी ये एक सपने जैसा ही है। क्या तुम कालिदास से इतना प्यार करती हो कि तुम उसके लिए अपनी शादी के दिन भाग आई उसके साथ? I love कालिदास बहुत ज्यादा। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। जब तुम उससे इतना प्यार करती हो तो मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? क्या कह सकती हूँ राम, कालिदास जब भी मेरे साथ होता है तो राम ऐसा है, राम वैसा है, यही कहता रहता है, बस राम राम राम। इसीलिए मेरा भी तुम में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था राम। सच में मुझे लगा तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के बारे में मैं सोचने लगी थी। फिर तुम कालिदास के पास वापस क्यों नहीं गई जब तुम्हें पता लगा कि मैं ऐसा नहीं था? कैसे जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह मैंने कालिदास को छोड़ा था, मुझे उसके साथ रहने के थॉट से भी डर लगने लगा था। मुझे लगा कि उससे दूर रहने में ही मेरी भलाई होगी। तुम्हारा प्यार सच्चा है पूजा, इसलिए तुम अपनी शादी छोड़कर उसके लिए आई हो। सभी लोग इतने लकी नहीं होते हैं। यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। ये क्या राम, तुम इतने पॉजिटिव कब से हो गए हो? तुम पर मेरा बहुत बड़ा इम्प्रेशन पड़ा था ना, तो इस पॉजिटिविटी की वजह जान सकती हूँ मैं? एक जर्नी। मैं एक लड़की से मिला, वो मुझे देख के मुस्कुराई, उसने ऐसी कहानी सुनाई कि मुझे नींद आ गई। वो फिर मुझसे मिली और मुझे एहसास दिलाया कि मैं कौन हूँ, नीलांबरी। वो भी मुझसे दूर चली गई, फिर 2 घंटे बाद मुझसे मिली। तब मुझे एहसास हुआ कि जब कोई जाता है तो कितना दर्द होता है। सच कह रहा हूँ मैं। नीलांबरी बड़ा ही खूबसूरत नाम है राम। हेजिटेशन किस बात की है? क्योंकि मैंने उसे कहा था कि रोशनी मेरी लाइफ है, अगर अभी मैं राम के पास जाऊंगी तो उसे लगेगा किसी रमेश के लिए उसे छोड़ दूंगी। हाँ नीला, अगर ये झूठ था तो ये चांस है, हो सकता है कल तुम रमेश से मिलोगी, लेकिन ऐसा है ही कहाँ नीला, इसलिए राम को खोना अच्छी बात नहीं होगी। नीला वो अक्सर मुझसे कहती है कि मैं बहुत 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 ज्यादा बात करता हूँ, ये बोलते हुए कितनी क्यूट लगती है वो। यही तो प्यार है राम। मुझे तो लगा कि जैसे मैंने उसे गले लगाया हो, और वो भी उसे बिना टच किए ही। इस पूरी जर्नी में ऐसा लगा जैसे मैंने उसे 8 घंटे तक गले ही लगा कर रखा हो। जब उसने पहली बार मुझे छोड़ा तो समझ में आया, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके जाने का कितना दर्द होता है। मेरा दिल टूट गया, आंखों से आंसू आए, मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन वो बहते ही रहे। मैं बार बार वही बातें तुम्हें बता रहा हूँ ना। लेकिन राम को भी मुझे पसंद करना होगा श्रुति। नीला तुम्हें ऐसे मैटर्स में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम राम को खो दोगी तो फ्यूचर में रमेश मिल ही जाएगा, लेकिन इट विल नॉट बी द सेम। राम तुम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है पूजा, लेकिन मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। उसने अपने डायरेक्टर से एंगेजमेंट की है। राम शी इज जस्ट एंगेज्ड, मेरी तो शादी थी फिर भी आई ना भागकर। मुझे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? नीला क्या राम को पता है तुम कहाँ हो? नहीं। दैट्स इट। वेट 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 वेट, वो तो नीला पर भरोसा नहीं करता था, और उसकी स्टोरी भी तो चोरी की है। आई गेस आई हैव अ चांस हियर। राम ये सिर्फ चांस नहीं है, तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अगर राम तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो आएगा। जस्ट शेयर योर लोकेशन, सो सिंपल। क्या मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी चाहिए या फिर यही ठीक है? मूवी टाइप का प्रपोजल मत एक्सपेक्ट करना, सिंपली स्माइल करते हुए ओके बोल देना। मैं डायरेक्टर हूँ यार, थोड़ा बहुत सीन चेंज करना तो चलता है। इसलिए तो राम इतना लकी है। डन। लंका की लोकेशन आ चुकी है, चलो चलते हैं। ए काली, अरे काली यही है ना, यही एड्रेस है ना भाई? जा फिर लेकर आ उसे। पक्का ना? हाँ। नीला अरे क्या करूं मैं, जाओ प्रपोज करो। हाँ, प्रपोज करो जाकर, जाओ। प्रपोज करूं कि मुझसे नहीं हो सकता यार, कैसे प्रपोज करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। अरे यार पर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं यार। इसे पियो। ये बात
चबाने के लिए कुछ चिप्स तो दे देती। चुपचाप पियो। अब डरो मत, जाके बोल दो उसे। अब थोड़ी हिम्मत आ गई। जाकर प्रपोज करो। मेरे पैरों ने भी कांपना बंद कर दिया। वेट एंड वॉच भाई। हाँ भाई, चिप्स है क्या तेरे पास? अरे क्या चिप्स चिप्स लगा रखा है यार। तू ये जिम माला पहन ले। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, तू एकदम धुला लग रहा है। अब जा। ये कौन है भाई? लगता है रावण आया है। हे नीला, नीला, नीला। राम है क्या? नीला, यू ब्लडी। पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। मैं तुम्हारे साथ लाइव शेयर करने चली थी, इसलिए सबने कहा था कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स ना करूं, पर मैं नहीं मानी। तुम्हें लगता है संगूठी से तुम मुझ पर अपना हक जता सकते हो? हे नीला। रोशन, मैं तुम पर थूकना चाहती हूँ, बट मैं अभी अच्छे मूड में हूँ क्योंकि मेरा राम यहाँ है। उसे बताऊंगी ना तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा। गेट आउट। थू। नीलांबरी, पता नहीं मैं तुम्हें किस मुंह से थैंक्स कहूं। ये न्यू गेटअप का क्या मतलब? हाँ, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जब तुमने परफेक्ट पार्टनर के बारे में बात की तो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। जब तुम चली गई तो सोचा कि आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बात पर फिर से सोचा तो मुझे लगा कि मैंने बड़ी गलती कर दी। लव जैसी चीज बहुत क्यूट होती है। हाँ राम, पर जल्दी मुद्दे पर आओ ना। हाँ, उस पर भी आता हूँ। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। बहुत खूबसूरत है, उसकी स्माइल तो माशाल्लाह, लेकिन हाइट थोड़ी सी छोटी है। उसके एक हक से मुझे अच्छी नींद आ सकती है। सुबह सुबह कॉफी की जरूरत नहीं होगी। उसके किस से ही मुझे बिना ड्रिंक किए बढ़िया से नशा होगा। वो बहुत ही वाइट है। तौबा 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 तौबा, जब वो मुस्कुराती है ना तो अंधेरे रास्ते में भी उजाला ही उजाला हो जाता है। वो मेरे दिल में एक नई एनर्जी भर देती है। बहुत सिनेमैटिक होता जा रहा है। बताओ लड़की कौन है? ये लाइन तुम अपनी मूवी में यूज कर सकती हो। बताओ ना वो लड़की कौन है। हाँ हाँ बताता हूँ। बताऊँ या फिर तुम्हें दिखाकर समझा दूँ? जानती हूँ मैं। तुम्हें कैसे पता? तुम पहले ही माला पहन कर आए हो और मैं भी अब एक डायरेक्टर हूँ, गेस तो कर ही सकती हूँ। या या या। I'm waiting man. Me too यार। मैं कुछ समझी नहीं राम। पूजा ये दूसरे लड़के से शादी करने वाली थी, बट जब मैंने इसे किस किया तो ये मेरे साथ आ गई। माय लव, माय लाइफ, माय वर्ल्ड, माय पूजा। मजाक है क्या? तुम तो मेरे साथ थे। एक घंटे में शादी कैसे? अरे शादी की व्यवस्था करने में टाइम लगता है, लेकिन मैं तो इसे भगा कर लाया था। सिंपल, मेरी लाइफ में अगर ये आई है ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसलिए इसलिए क्या? इसलिए हम तुम्हारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए थे। हे राम, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरी ब्लेसिंग लेने क्यों आए हो? ठीक है, बस बहुत हुआ।
हैप्पी मैरिड लाइफ राम एंड पूजा, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। थैंक यू। ठीक है राम, मुझे कुछ काम है, लेट हो रही हूँ इसलिए जा रही हूँ, बाय। अरे नीला, ये क्या बात हुई, एक हग नहीं कर सकती? मैंने बोला था ना, तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा है और अब शादी भी हो चुकी है, एटलीस्ट एक शेक हैंड तो कर सकती हो। नीला उधर देखो। एक स्टोरी सुनोगी क्या? पक्का तुम्हें सुनकर नींद आएगी। एक लड़की ने एक लड़के से पूछा कि वो एक शरारती लड़की को क्यों पसंद करता है, तो उसने कहा कि हम नए कपड़े तभी खरीदते हैं जब हम कहीं घूमने जाते हैं या हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या मनचाहे इंसान के बारे में सोचते हैं। वो लड़की जो मुझे रोज सताती रहती है और वो लड़की जो मेरे सामने मुस्कुराती है और मुझे हमेशा टॉर्चर करती रहती है, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मॉर्निंग कॉफी, मेरी जान, मेरी नीलांबरी। तुम उससे झूठ क्यों बोला? ये मेरा दोस्त है।